So catch me if I fall हेलो हाय नमस्ते प्रणाम एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे इन माय लाइफ क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो जी हाँ ये है हमारी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी और बहुत कुछ तो करने का मन नहीं कर रहा है बट फिर भी हमने सोचा कि मंदिर चलते हैं वहाँ से पूजा वगैरह करके आते हैं तो यहाँ फटाफट से गेट रेडी विद मी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर तो थोड़े बहुत जो भी मैंने अप्लाई किए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लिपस्टिक में मैंने लगाया है मैक की रूवीवू जो कि वन ऑफ दी माई फेवरेट लिपस्टिक है और यहाँ पर मस्करा और थोड़ा सा एज आई लाइनर मैंने uh, काजल अप्लाई किया है देन यहाँ पर बाल को मैं ड्राई कर रही हूँ हेयर जस्ट अभी अभी वॉश किया था मैंने तो हेयर वॉश करना ज़रूरी है और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी पूरे दिन आज बारिश हुई है तो बस हेयर वगैरह सुखा कर और निकलते हैं फटाफट से मंदिर के लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आई थिंक नाइन थर्टी हो चुका था निकलते निकलते ईयर के लिए मैंने ये बहुत ही प्यारा सा इयर सेलेक्ट किया है तो ये ये इस ड्रेस को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था तो मैंने सोचा चलो इसे ही पहन लेते हैं और बहुत पसंद है ये वाली एयर रिंग ये मैंने लिया था कहाँ से आई थिंक मैंने शीन से ऑर्डर की शीन या फिर टीमू से ऑर्डर किया था मुझे ठीक से याद नहीं है बट इन दोनों में से ही कहीं से ऑर्डर किया था मैंने तो ये है इयर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वाली इयरिंग पहन ली है मैंने और बताइएगा मुझे आपको ये ईयर कैसी लगी एंड में मैंने यहाँ बिंदी भी अप्लाई कर लिया है क्योंकि मुझे लगा इंडियन वेयर में यहाँ पर कैरी कर रही हूँ तो बिंदी के बिना तो इनकम्प्लीट है हमारा इंडियन लुक और यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ अच्छे से अब निकलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे थे बिल्कुल मंदिर में आरती हो रही थी तो हम आरती में भी शामिल हुए हमें आरती करने का भी मौका मिला और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर प्रसाद वगैरह भी खाए हमने बहुत सारे खीर थे कर्ड राइस थे और बनाना एम्पल पंडित जी ने बहुत सारे प्रसाद हमें दिए तो हमने खाया और फिर हम वापस आ गए घर तो बस बारिश आप देख सकते हैं बाहर में थोड़ा सा बारिश हो रही थी और मैं इतना ज़्यादा रेडी इसलिए होकर गई थी ना क्योंकि मुझे लगा था ना मैं थोड़ा बहुत फोटो शूट करूँगी बाहर में क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी फ़ोटो इस प्रेगनेंसी में मैंने बिल्कुल भी फोटो क्लिक ही नहीं किए हैं जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी फ़ोटो अपने रखे हुए हैं तो उनको देख देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बट इस वाले प्रेगनेंसी में ना मुझे फ़ोटो शूट करने का मौका ही नहीं मिला कहीं निकल ही नहीं पाती हूँ मतलब निकल पाती हूँ तो मार्केट वगैरह शॉपिंग मॉल वगैरह ये सारी चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल कॉटन की कुर्ती है बिल्कुल कंफर्टेबल इसलिए मैंने इसे चूज़ किया पहनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था मेरे लिए तो इस वजह से घर आई वापस तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था शायद दो बज चुके थे नहीं दो नहीं बजा था खाना बनाते बनाते दो बज चुका था बट हम शायद बारह बजे तक मतलब ट्वेल्व थर्टी वन ओ क्लाक तक हम घर वापस आ चुके थे वापस आने के बाद मैंने सोचा कि फटाफट से कुछ बना लेते हैं क्योंकि सुबह से हमने बस वही प्रसाद वगैरह ही खाया था बट हम पूरा फुल थे अच्छे से तो इस वजह से हमें कोई हड़बड़ी नहीं थी खाने पीने की बट मैंने इडली का जो बैटर था रात को रेडी किया था तो इस वजह से वो फर्मेंट भी हो चुका था अच्छे से तो मैंने सोचा था कि सुबह में मैं इडली बनाऊंगी तो यहाँ पर इडली की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह मैंने इस तरीके से अच्छे से लगा दिया है सब कुछ रेडी है इडली बैटर रेडी है बस यहाँ पर मुझे चटनी सांभर ये सारी चीज़ें ही बनानी है और इडली के लिए मैंने वहाँ पर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए साथ ही साथ श्रेयांस बिल्कुल मेरे साथ खेल ही रहा है तो यहाँ पर वो साथ में खेल भी रहा है और साथ ही साथ मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है यहाँ खाने की तो बस ये बनाया हमने और इडली एक तरफ मैंने डाल दी क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इस वजह से एक तरफ इडली चढ़ा दी मैंने दूसरी तरफ मैंने सांभर एंड चटनी की भी प्रिपरेशन की तो धीरे धीरे सारे खाने वगैरह बन गए और इसके अलावा पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं बनाया कुछ भी नहीं क्योंकि ये खाते खाते ही हो चुका था दो बज चुका था खाते खाते तो काफ़ी टाइम हो चुका था तो उसके बाद फिर कुछ बनाने का मन ही नहीं किया क्योंकि किसी को कुछ खाने का मन ही नहीं था तो हमने भी बस इडली वग़ैरह इंजॉय किया श्रेयांस ने भी इन, आ, इडली इंजॉय किया हम सब ने बस इडली सांभर चटनी ये सब खाया और हम बहुत फुल हो चुके थे क्योंकि इडली सांभर ये सारी चीज़ें मिल जाए ना तो बस मेरा मन बिल्कुल खुश हो जाता है मैं बिल्कुल खुश होकर खा लेती हूँ तो बस यही सारे चीज़ थे उसके बाद शाम को फिर हमने सोचा कुछ बनाया जाए लेकिन क्या ही बनाती सारे लोग परेशान कि नहीं मुझे नहीं खाना है मुझे नहीं खाना है श्रेंड्स अलग कह रहा है मुझे नहीं खाना है और हस्बैंड अलग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं खाना है तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं तो बट फिर भी फिर भी थोड़ा बहुत मुझे तो भूख लगी थी तो मेरा भी मन था नहीं वैसे लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मुझे भूख लगेगी मुझे पता है कि थोड़े थोड़े देर पर मुझे भूख लग जाती है अगर मैं सोने गई तभी मुझे भूख लगेगी तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अपने लिए कुछ बना लिया जाए तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इडली की ही चॉपिंग चल रही है सांभर के लिए मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह काट लिए थे लौकी थोड़ी सी बची हुई थी मेरी क्योंकि कल मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी उसमें से थोड़ा सा लौकी मैंने बचा कर रख दिया था ड्रम स्टिक भी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था सांभर के लिए और बाकी जितने भी सब्जी थे ना फ्रिज से मैंने सबको निकाला और सबको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट के एंड देन मैंने यहाँ पर सांभर भी प्रिपेयर कर लिया और <laughs> सॉरी <laughs> तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही है और इसके अलावा हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया नो केक नथिंग क्योंकि पता नहीं अब मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का पता नहीं शायद प्रेगनेंसी के वजह से मेरा आ, दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है या फिर आजकल पता नहीं आजकल मन नहीं करता है कुछ भी सेलिब्रेट वग़ैरह करने का बस तो इस वजह से और यहाँ पर इडली ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पर आ, थोड़ा सा इडली का जो है हमारा आ, वो उसे ठंडा होने देंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो उसको हाथ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट पाँच से सात मिनट में वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी यहाँ पर मैंने चटनी में चौक लगा दी है और मस्त तड़का वड़का मार के और ये हो गई चना दाल की चटनी बिल्कुल यहाँ पर प्रिपेयर अब हम यहाँ पर हमारा जो इडली है उसे भी निकाल लेते हैं थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है कुछ भी एक आप ले सकते हैं जो मतलब जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ऐसे काफ़ी अच्छे से निकल जाता है अगर और ठंडा थोड़ी देर दि, थोड़े देर छोड़ने के बाद और ठंडा हो जाएगी ना तो उसको आप ऐसे हाथ से भी निकाल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और काफ़ी ईजली निकल जाता है और क्योंकि मैंने रात को बैटर जो था रेडी किया था तो इडली काफ़ी ज़्यादा फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई थी तो बहुत अच्छा लगा मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा था और फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट थी ना तो खाने में भी, भी फिर मज़ा आ रहा था तो हो गई यहाँ पर इडली हमारी रेडी ये है हमारा सांभर बिल्कुल चटपटा सा सांभर एंड देन यहाँ पर चटनी भी हमारी रेडी है तो ये है हमारा प्लेट तो बस मतलब अभी देख के मुझे फिर से मुंह में पानी आ रहा है <laughs> और बस उसके बाद फिर ये है छोटी मोटी क्लिप थोड़े बहुत हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करें थोड़े बहुत वीडियो बनाए इंस्टा में थोड़े से वीडियो मैंने डाले थे तो वही वीडियो है ये वाला एंड अब आते हैं रात की तरफ तो रात को सब ने कहा कि कुछ नहीं खाना है कुछ नहीं खाना है बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं क्योंकि अगर रात को मुझे भूख लगी तो मैं तो खाऊंगी तो श्रेयांस को भी मैंने पूछा क्या खाना है तो वो भी कह रहा है कुछ नहीं हस्बैंड भी बोले कुछ नहीं तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं बट श्रेयांस ने बोला कि सेवई खाना है तो मैंने सेवई बना दी और थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसके साथ ही पूड़ी वगैरह तल लेते हैं पाँच छः जो भी पूड़ी है तल लेते हैं और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा आलू बैंगन की भुजिया बना दिया क्योंकि मुझे पता था मैं खाऊंगी भूख लगेगी मुझे थोड़े देर में और रात को अक्सर भूख लग जाती है मुझे आजकल तो आजकल खाने की जो मेरी क्षमता कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है थोड़े थोड़े देर पे मुझे भूख लग जा रही है तो मैं खाती रहती हूँ तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है मैं बना के रख देती हूँ किसी को खाना हो तो खा लेंगे नहीं तो फिर मैं तो इसे पूरा सधाई ही दूंगी तो बस यही था हमारा खाना साथ ही साथ हमारी पूड़िया भी यहाँ पर रेडी है जो भी थोड़ी बहुत पूड़िया बनी थी और मैंने फिर लास्ट में थोड़ा सा खाना निकाला और सोचा श्रैंस को खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ तो ये है हमारा खाना जिसे हमने इंजॉय किया और आज पूरे दिन बस यही किया रात में खाना वाना खाकर और एंड किया हमने अपना दिन